अस्सलाम वालेकुम गाइस, जवान भाई ने रिसेंटली अपनी आई सर्जरी करवाई है। तो गाइस फाइनली मैं पहुंच गया हूं क्लिनिक के बाहर। जलवा इस क्लिनिक को नोबेल प्राइज तक मिला हुआ है। इतने सारे टेस्ट होने हैं। अगर मेरा व्लॉग ना आए तो आप समझ जाइएगा। शदीद सिंगल, उल्टा सीधा मसला हो गया तो उसका जिम्मेदार मैं खुद हूं। ये ट्रीटमेंट से पहले तो अंदर नहीं करेंगे मुझे। यहाँ पे जाके मेरी सर्जरी होगी। ये मशीन है लेजिक। दस लेदा। लेयर इसकी निकाल देगा अंदर वाली। मुझे अब सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। Assalamualaikum guys, welcome back to another special vlog. Hope you are all doing great. Alhamdulillah, मैं भी ठीक हूँ। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि भाई रिजवान भाई आपने ये ग्लासेस क्यों लगाए हुए हैं अपने घर में बैठ के। तो भाई मैंने इसलिए लगाए हैं क्योंकि अगर मैं इनको उतार दूंगा तो आप लोग डर जाएंगे। मुझे पता था आप लोग डर जाएंगे क्योंकि आप लोगों ने अभी तक रिजवान भाई को बिना ग्लासेस के नहीं देखा। आप लोगों को पता तो चल ही गया होगा कि भाई रिजवान भाई ने रिसेंटली अपनी आई सर्जरी करवाई है। जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उन्हें पता चल गया होगा। जो नहीं करते उनको बता दूं कि भाई आपके भाई ने फाइनली अपनी आंखों की सर्जरी करवा ली है। अब आप लोग पूछोगे कि रिजवान भाई ऐसी भी क्या मजबूरी थी कि जो आपने आई सर्जरी करवाई, या फिर आप बोलोगे कि रिजवान भाई आप ग्लासेस में अच्छे लगते थे तो काइंडली वेयर द ग्लासेस अगेन, या फिर जो भी बात कहेंगे। तो उन सब के मैं सारे जवाब देता हूं। भाई बात यह है कि मैंने इस दिन के लिए मतलब चश्मा उतारने के लिए 15 साल इंतजार किया है। मतलब जब मैं 10 साल का था तब से मैं ग्लासेस पहन रहा हूँ और आज जाके मैंने अपनी ग्लासेस उतारे हैं। 10 साल पहले मुझे ये पता चला था कि भाई मेरी आंखें कमजोर हो गई और अब मुझे चश्मा पहनना पड़ेगा, तो मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि मुझे लगा था कि भाई जब मैं चश्मा पहनूंगा तो लोग समझेंगे कि भाई ये पढ़ा लिखा है, ये स्मार्ट बच्चा है, या फिर थोड़ा सा हैंडसम लगूंगा। लेकिन रियलिटी उसके बिल्कुल अपोजिट थी भाई। मतलब मैं आपको बताऊं, जब मैंने चश्मा पहना तो भाई मेरा पहले एक नाम था रिजवान, उसके बाद मेरे 5-6 और नाम निकल आए। मतलब कोई मुझे अंधा कहता था, कोई मुझे चश्मिश कहता था, कोई मुझे ऐनकू कहता था, कोई मुझे ऐनक वाला जिन कहता था। मुझे अपने घर जाना है। अजीब अजीब किस्म के नाम से बुलाते थे लोग मुझे। तो यार 3 महीने के बाद मेरा दूसरा चेकअप था, तो उससे पहले मैंने अपनी अम्मी को कहा कि भाई मैंने ये ग्लासेस उतरवाने हैं, मैंने ये ग्लासेस नहीं पहनने, कुछ भी हो जाए मुझसे नहीं पहने जाएंगे। तो भाई अम्मा अब मेरे बिल्कुल साथ हैं, वो हमें ले गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास ले जाके उन्होंने पूछा कि डॉक्टर साहब लड़के को जो है ना ये ग्लासेस उतरवाने, तो इसका क्या इलाज है। तो डॉक्टर ने कहा कि भाई इसका इलाज मुमकिन है लेकिन अभी नहीं, क्योंकि ये अभी बहुत छोटा है, तो जब ये बड़ा हो जाएगा तब इसका इलाज मुमकिन है। तो फिर अब्बू वाले ने पूछा भाई कितना बड़ा हो, मतलब 1-2 साल बड़ा हो जाए तो हो जाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं भाई 18 साल के बाद ये सर्जरी करवा सकता है लेकिन उसकी भी कोई गारंटी नहीं है, बाद में भी इसकी आईसाइट वीक हो सकती है। तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप 23 से 24 साल की उम्र के बाद सर्जरी करवाएं। वहां से मेरा दिल और खफा हो गया। अब फिर मजबूरी भी थी ग्लासेस पहनना। अब मेरी आईसाइट बहुत ज्यादा वीक थी, मतलब मेरी आईसाइट -5 लेफ्ट साइड की थी और राइट साइड की मेरी -5.25 इस तरह कुछ थी। तो मतलब ये बहुत ज्यादा है। सुबह उठते साथ ही पहला काम मुझे अपने ग्लासेस ढूंढने होते थे, कहाँ गिरे हुए ऐसे अंधों की तरह, कहाँ पे चले गए, और शाम को सोने तक मुझे वो ग्लासेस पहन के रखने होते थे। वॉशरूम में जाओ जब नहा रहे होते थे सब ब्लर नजर आता था, कुछ नजर ही नहीं आता था भाई, इतना क्लोज होके मुझे देखना पड़ता था कि हाँ भाई चेहरा सही साफ हो रहा है नहीं हो रहा। तो ये सारी चीजें थी जिनसे फाइनली मुझे छुटकारा मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह भाई। तो ये वजह थी, मतलब 15 साल पहले ही मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी आंखों की सर्जरी करवाऊंगा। फिर 19 साल की उम्र में मैं कोरिया आ गया। कोरिया आने के बाद पता नहीं चला वक्त कैसे गुजरा, अब अल्हम्दुलिल्लाह वो वक्त आ गया था कि भाई मैं अपनी आंखों की सर्जरी कराऊं। तो मैंने कहा यार व्हाई नॉट। कुछ दिन पहले मैंने एक आई क्लिनिक से अपना चेकअप करवाया था जिससे मुझे पता चला कि हाँ भाई मेरी आंखें अब इस कंडीशन में हैं कि मैं सर्जरी करवा सकता हूँ। लेटेस्ट स्माइल, लेजिक और लेजिक, ये 3-4 जो हैं सर्जरी हैं, लेकिन मेरी कौन सी हो सकती है इसका मुझे नहीं पता था। लेकिन डॉक्टर ने मुझे बताया कि मैं कोई भी सर्जरी करवा सकता हूँ, मेरी आंखें बिल्कुल सेहतमंद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चीज पता चलने के बाद मेरे दिल में दर्द फूट गया। मैंने कहा कि भाई शादी से पहले अब आंखें सही करवानी है, शादी में बाद में करूंगा, पहले मैंने अपनी आंखें सही करवानी है। भाई ये अहद लेके आपका भाई चला गया डॉक्टर के पास। आंखें ऐसी चीजें हैं जिन पे आप कोई भी रिस्क नहीं ले सकते, ना पैसों का ना किसी और चीज का, ठीक है। तो भाई मैंने इसके बारे में ढूंढना शुरू किया। जब मैं ढूंढा तो मुझे कुछ बेस्ट ऑप्थमोलॉजिस्ट के नाम पता चले, जिनमें से एक ऐसी थी जिसने साउथ कोरिया के अंदर पहली दफा ये आई सर्जरी की थी और उस क्लिनिक को नोबेल अवार्ड भी मिला हुआ है। भाई इस क्लिनिक को नोबेल प्राइज तक मिला हुआ है। उसके अलावा
इवो विजन ICL का अवार्ड मिला हुआ है, जीस का जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का अवार्ड मिला हुआ है, मतलब अच्छे खासे जो है ना ये मशहूर है। तो मैंने कहा यार जब बंदे ने अपनी इतनी इंपॉर्टेंट चीज की सर्जरी करवानी है तो जाहिर ही बात है इस पर बंदा रिस्क नहीं ले सकता, किसी अच्छे के पास ही जाए। तो मैंने सेलेक्ट की SNU क्लिनिक। मैंने क्यों सेलेक्ट किया, उसकी दो तीन वजह है, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक, साउथ कोरिया के अंदर सबसे पहले आई सर्जरी इसी क्लिनिक ने की, ये इसका सबूत है। 2017 में फर्स्ट टाइम कोरिया के अंदर इन डॉक्टर ने जो है ना सर्जरी की थी। दूसरी बात कि इस क्लिनिक को नोबेल अवार्ड मिला हुआ है इस अपने आई सर्जरी की वजह से। और थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंटली के भाई ये क्लिनिक आपको अगर आप एक ही दिन में सर्जरी करवाते हैं, मतलब चेकअप भी उसी दिन, सारा प्रोसेस भी उसी दिन और लास्ट मंथ भी डिस्काउंट दे देता है, तो भाई मेरे लिए इससे बड़ी बात कोई भी नहीं थी। मैंने कहा कि भाई चलो जी बिस्मिल्ला भाई। सबसे बेस्ट चीज ये लगी कि भाई वो लोग, अगर आप फॉरिनर हैं तो आपको ट्रांसलेटर भी प्रोवाइड करके देते हैं, मतलब बहुत सारी लैंग्वेजेस में जिसके अंदर इंग्लिश है और भी काफी कंट्रीज की लैंग्वेज है। तो मैंने तो इंग्लिश सेलेक्ट की, हालांकि मुझे कोरियन आती है, लेकिन आंखें, मैं वही बात कर रहा हूँ कि आंखें ऐसी चीज है जिसपे बंदा रिस्क नहीं ले सकता। तो भाई मैंने कहा कि मुझे ट्रांसलेटर चाहिए और उन्होंने मुझे फ्री में ट्रांसलेटर भी मंगवा के दे दिया सब। और इससे मजे की बात, वो ट्रांसलेटर भी एक मुस्लिम थी और इजिप्ट की थी, काफी अच्छी ट्रांसलेटर थी, मतलब मैं उसकी जितनी तारीफें करूं काम है। उसने ट्रीटमेंट के स्टार्ट से लेके, मतलब क्लिनिक पे स्टेप इन करने से लेके क्लिनिक से स्टेप आउट करने तक वो ट्रांसलेटर मेरे साथ थी। तो उसने काफी मुझे हेल्प आउट किया सारी चीजों में, फॉर्म फिल करने में, और जो डॉक्टर ने मुझे बताया जो कोरियन है जिनको इंग्लिश नहीं आती थी उनको मुझे ट्रांसलेट करके दिया। उसके अलावा भी जो भी वहां का प्रोसीजर था सारा उन्होंने हैंडल किया हमारे मेरे लिए। तो भाई सबसे बेस्ट बात मुझे ये लगा। दूसरी चीज के भाई क्लिनिक इतने कमाल की थी कि मैं क्या बताऊं, मतलब सिर्फ क्लिनिक अच्छा होना ही लाजमी नहीं होता, उसका स्टाफ कितना अच्छा है वो लाजमी होता है। तो यार इतना कोऑपरेट कर रहे थे वो मेरे साथ कि हर एक चीज में, मुझे अगर कोई मसला आ रहा था तो मुझसे पूछ रहे थे उनकी नर्सेज, उनकी डॉक्टर्स। डॉक्टर इतने सादे थे कि यार मतलब मैं क्या बताऊं, इतने हंस मिजाज थे और मजाक भी कर रहे थे और बार बार ये कह रहे थे कि आप परेशान ना हो, आपका हम ट्रीटमेंट कर देंगे, आप आज यहाँ से सही होके जाएंगे। और ऐसा ही हुआ भाई। फिर मैंने वहां पे फॉर्म फिल किया, उन्होंने निकाह नामे की तरह तीन चार मुझसे साइन करवाए, कबूल है आपको ये कबूल है। तो मैंने सब कह दिया भाई मुझे सब कबूल है, मुझे निकाह से पहले ये वाला निकाह लाजमी करना था, तो मैंने ये कर लिया। भाई अभी ना ये फॉर्म मुझसे फिल करवा रहे हैं और इसके अंदर एक दो ऑप्शन दिए हुए हैं, मी होन और की होन, जिसका मतलब है एक की मतलब है मैरिड और की होन मी होन। उनको बोल इधर एक और ऑप्शन होना चाहिए कि शदीद सिंगल। ये फॉर्म फिल करने के बाद तो भाई मुझे लेके गए वहां पे 20 से 25 मशीन रखी हुई। ये इतने सारे टेस्ट होने हैं लेजिक से पहले, सर्जरी से पहले। यहाँ से आप अंदाजा लगाएं कि कोरिया टेक्नोलॉजी में इतना आगे है ना, उन्होंने कोई भी कसर नहीं छोड़ी। मेरी आंखों का इतनी बारीकी से जायजा लिया, मतलब 15 से 20 मशीनों में मेरा चेकअप हुआ जिसके अंदर मुख्तलिफ टेस्ट है भाई, मेरी आंख की साइज क्या है, मेरी आंख की हेल्थ कैसी है, मेरा कॉर्नियल साइज क्या है, कितना कट करना है, मतलब सर्जरी में कौन सी सर्जरी में करवा सकता हूँ कौन सी नहीं करवा सकता, ये सारे उन्होंने चेकअप किए। उसके बाद उन्होंने मेरी आंखों का स्कैन किया और उसके अंदर मेरी पूरी आंख, इतनी बड़ी आंख छप के आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह। तो डॉक्टर ने भी यही कहा कि आपकी आंख की सर्जरी करने में कोई भी मसला नहीं आएगा, कोरियन लोगों की आंखें थोड़ी छोटी होती हैं, आपकी बड़ी है, तो हम आसानी से ही सर्जरी कर सकते हैं आज ही के दिन। भाई उन्होंने मेरे DNA टेस्ट वगैरह लिए, ठीक है सारी चीज की, चेकअप किए, फिर मुझसे जो मेरे स्टार्ट में बिल्कुल मुझे अपने बचपन के दिन याद आ गए जब मैं पाकिस्तान में ये वाले चेकअप करता था भाई एक आंख पे रख के, फिर उन्होंने वहां पे वो चेकअप किया, फिर मुझे दूसरी मशीनों पे ले गए वहां पे मेरा चेकअप किया। यहां से जब सारा कंप्लीट हो गया तो उन्होंने कहा कि भाई अब आप थक गए होगे, कुछ देर आराम कर लो। मैं चला गया भाई, ऐसी मस्त उन्होंने लाउंज बनाया हुआ था ना, वेटिंग लाउंज, कि मैं क्या बताऊं, वहां से पूरे सियोल का व्यू आ रहा था। वहां पे भाई मैं बैठा हूँ, आपके भाई ने वहां पे बैठ के दो तीन रील्स बनवाई हैं, टिकटॉक बनवाई हैं, देख देख तेरा बाप आया, ऐसे ऐसे करके इमरान हाशमी वाले पोज लगाए हैं भाई, बिल्डिंग के ऐसे उस पर खड़े होके आपके भाई ने वीडियो बना के। तब तक वो, फिर उन्होंने कह दिया, पीछे से आवाज आ गई, इमान नाम था उस ट्रांसलेटर का, कि भाई आप आ जाओ। उन्होंने मेरी हरकतें देखी तो उन्होंने कहा कि भाई इससे वेट तो करवाना नहीं, इसको ले चलते, इसको जल्दी फ्री करते हैं। उन्होंने मुझे बुला लिया, फिर हम गए एक कंसल्टेशन करवाने। कंसल्टेशन वहां जाके भाई, वहां जाके मेरी बिल्कुल ही हट गई, मैं सच बताऊं उस जगह पे जाके मुझे टेंशन होना शुरू हो गई। अब तक मैं बिल्कुल रिलैक्स था, लेकिन वहां जाके जब उन्होंने मुझे बताया ना कि भाई अगर आपने थोड़ी सी भी आंख ऐसे ऐसे की,
अगर आपने यहाँ पे ऐसे किया तो आपको ये हो सकता है या फिर वो हो सकता है। तो सारी जो रिस्क थी वो मुझे बताई और एंड में मुझे कह दिया अब इसमें साइन कर दो कि भाई अगर कुछ भी होता है तो इसका जिम्मेदार क्लिनिक नहीं होगी। मतलब वो अपने हाथ ही सफाया करवा रहे थे, लेकिन फिर वो मुझे साथ में ये भी कह रहे थे कि ये हमारी फॉर्मेलिटी है भाई, आप सिर्फ इन्हें फिल कर दो, आप इस चीज की टेंशन ना लो कि भाई आपकी आंखों को कुछ होगा, वो हमारी गारंटी है। अगर आपकी सर्जरी सही नहीं हुई, अल्लाह ना कर, ऐसा चांसेस होते नहीं है, फिर भी हम आपको दूसरे ट्रीटमेंट करके दे देंगे। मतलब फिर भी हम आपको दोबारा लेजिक सर्जरी करके दे देंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब कि इतनी गारंटी दे रही थी ये क्लिनिक मुझे। भाई मुझे थोड़ा तसल्ली हुई, थोड़े पसीने मेरे कम हुए हैं। उन्होंने कहा ठीक है भाई, अब थोड़ा सा जो है ना, आप मुझे रूम दिखाया उन्होंने, कहा यहाँ पे आपकी सर्जरी होनी है, ठीक है यहाँ पे आप लेटोगे, ये मशीनें उनके पास, मशीनें तो मैं क्या बताऊँ, सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ऐसी ऐसी मशीनें थी कि भाई मुझे यकीन नहीं आ रहा था। और जिस टाइम मेरी सर्जरी चल रही होगी ये लोग बाहर होंगे, तो ये जो है ना ये सामने वाला शीशा, वो कोई बटन दबाते हैं यहाँ सारा ये पूरा वाइट हो जाता है, तो अंदर से कुछ नजर नहीं आता। ये अभी नजर आ रहा है क्योंकि कुछ हो नहीं रहा। थोड़ी ही देर के बाद वो मुझे ले गए डॉक्टर के पास। यार इनके डॉक्टर ना, कोरिया के डॉक्टर, मैं क्या बताऊं, इतना अखलाक होता है इनमें। इन डॉक्टरों का भाई अपना इंट्रोडक्शन पहले करवा, पहले मुझे पता चले मैं किससे करवा रहा हूँ। तो डॉक्टर हंसने लगे और उन्होंने मुझे अपना इंट्रोडक्शन करवाया। इंट्रोडक्शन करने के बाद डॉक्टर ने दोबारा फिर से मेरा चेकअप किया। मतलब इतनी रिपोर्ट्स बन के आई थी, लेकिन फिर भी डॉक्टर ने एक दफा फिर भी फिजिकल टेस्ट करके देखा कि भाई मेरे कोर्निया किस शेप में, फिजिकल टच, मतलब जो है ना टच करके देखा कि भाई, और निशान लगाया कि हाँ भाई यहाँ यहाँ से मेरा सारा कुछ होना है। खैर डॉक्टर से हंसी मजाक करने के बाद, सब कुछ बता पूछने के बाद डॉक्टर ने कहा नाउ यू आर रेडी फॉर द सर्जरी। अब मेरे आपके भाई को ले गए, उन्होंने वहां पे वो जादू वाला सूट पहनाया, ब्लू ब्लू कलर का जादू। इतनी रेस्पेक्ट कोई अपने जमाई को भी नहीं देता जितनी वो क्लिनिक वाले हमें दे रहे थे। मतलब मुझे ऐसे आके उन्होंने गाउन पहनाया ना, मुझे एकदम ऐसे शाहरुख खान वाली फीलिंग आई, ऐसे ऐसे आपके भाई ने हाथ किए। तो वो ट्रांसलेटर मुझे कहा ज्यादा शोखा ना हो, टाइम लेट लेट है, जल्दी अंदर चल। मैं अपने ग्लासेस, मुझे आदत थी मैं अपने ग्लासेस अपने साथ रखता था, अगर उतार भी लूँ ना अपने हाथ में, मैं एक्चुअली वो साथ लेके जा रहा था। तो मुझे बोले कि अब फाइनली वो वक्त आ गया कि आप इसे अलविदा कह दो भाई, क्योंकि अब वापस जब आप आओगे यहाँ से तो आपकी आंखें इंशाल्लाह सही होंगी। भाई मैंने ऐसे कापे हाथों से चुम्मी शुम्मी लेके चश्मे की रख दिया वहां पे। जब मैं अंदर ले गया, मुझे नीचे लुटाया मशीन के नीचे, ठीक है। और उसके बाद जब मैंने ऐसे आगे पीछे देखा तो मैंने कहा भाई मेरा वक्त तो आ गया, ठीक है, ये हूरे मुझे लेने आ गई है, अब मैं जा रहा हूँ। तो डॉक्टर साहब जब आए ना, फिर उन्हें देख के मैं डर गया। मैंने कहा ओ मैं तो ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ। मशीन जो है करीब लेके आए, सिर्फ एक ग्रीन डॉट थी, उसे मुझे देखता रहना था, और आस्ते आस्ते वो डॉट गुम हो रही थी। इतनी तेज लाइट आ रही थी कि मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था। 25 सेकंड तक ऐसा रह गया, खत्म। डॉक्टरों ने कहा कि भाई हो गई एक आंख ठीक। मैं परेशान हो गया, मैं हंसने लग गया वहां पे। डॉक्टर ने कहा भाई अभी एक आंख रहती है, हिलो मत, अभी दूसरी आंख भी आपकी करनी है। तो दूसरी आंख पे लेके गए, वहां से लेजर वाला ट्रीटमेंट खत्म करके फिर उन्होंने लास्ट में एक और स्टेप किया, जिसके अंदर से मेरी आंख के ऊपर कोई पापड़ी आ गई थी, उन्होंने वो पकड़ के निकाली, दोनों पापड़ी निकाल दी, और ऐसा करके भाई आपके भाई का ट्रीटमेंट खत्म हो गया। मतलब के भाई सिर्फ 10 मिनट लगे और इस चश्मे को उतारने के लिए, और इस चश्मे को मैं अपने नाक में 16 सालों से लेके घूम रहा था, 16 सालों से, सिर्फ 10 मिनट के अंदर उन्होंने मेरा वो उतार दिया, चश्मा उतार दिया। भाई फिर मैं बाहर आया, बाहर आया तो मुझसे तो भाई रहा ही नहीं, और खुशी के मारे मैं तो नाचूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ग्लासेस लगाए, मैं बार बार ऐसे हाथ लगा के चेक कर रहा हूँ, मैंने ग्लासेस लगाए हैं सफर के, कह रहा भाई आज तुझे सब नजर आ रहा है। मैंने कहा भाई सब बिल्कुल एकदम चपाचप नजर आ रहा है, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखो कितनी प्यारी प्यारी, सब इतनी प्यारी प्यारी कोरी नर्सेज नजर आ रही थी। मैंने कहा बिल्कुल फिट हूँ। What do you mean by that? थोड़ी सी जो है ना ब्लरी आंखें हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आज मेरी सर्जरी होगी। मुझे तू भी क्लियर नजर आ रहा है, कसम से, अभी सिर्फ हल्का हल्का ब्लरी है, पहले बिल्कुल भी दर्द नहीं था। अच्छा, और सारा पुलिस आपने यहाँ से देखा, आप बहुत ही नाजुक मरला था ना, बिल्कुल भी दर्द नहीं था। मतलब और इतना कम टाइम है ना, मुझे तो लगा था पता नहीं क्या क्या होगा। अभी ना मेरी आंखों के सामने हल्का हल्का धुआं सा, उन्होंने कहा कुछ देर तक ऐसे रहेगा, लेकिन वो मुझे आई ड्रॉप डालने पड़ेंगे लगातार कुछ देर के बाद, जाके मेरी आई विजन ठीक होगी। अभी भी मतलब ठीक है, मुझे सब नजर आ रहा है, लेकिन आज तो रिजवान नहीं लग रहा मुझे। आज कोई और आ गया यार, ऐसे ना बोल, दिल और खफा, लेकिन प्यारा लग रहा है यार ग्लासेस के बिना। अच्छा, अब ठीक है, अब हैंडसम लग रहा है। आप बताएंगे कैसा लग रहा हूँ, पर मुझे अब सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। सच बताऊ ना, एक
इससे मेरी छुटकारा छूट गया। और अभी ना एक अजीब किस्म की आदत है ना, मेरा दिल कर रहा है बार बार मैं उसे उठा के ये मुझे दे दे। आज ट्रीटमेंट हुआ, मेरा दूसरा दिन है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतना क्लियर नजर आ रहा है ना, मतलब अब मुझे सब नजर आ रहा है कि मेरी एक्स ने मुझे धोखा कैसे दिया था। खैर अभी मुझे पता है आप लोग मुझे ये कहोगे रिजवान भाई आप चश्मे में अच्छे लग रहे थे, अभी थोड़े से भद्दे लग रहे हो। मैं आपको बता दूं कि जो बंदा अपनी जिंदगी में 15 साल ग्लासेस पहनता है तो उसकी ये जगह थोड़ी सी अंदर हो जाती है, देख रहे हो आप, ये थोड़ी सी अंदर की तरफ हो जाती है इन दोनों जगहों के निस्बत, और साथ में आंखें भी थोड़ी अंदर चली जाती हैं, नाक भी थोड़ा सा जो है दब जाता है चश्मे का वजन की वजह से, तो कुछ टाइम लगता है ये रिकवर होने में, उसके बाद जाके ठीक हो जाएंगे। बाकी आप मुझे बताएं कि भाई अभी आपका भाई कैसा लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो भाई बता दो, ठीक है। वैसे भाई आपके भाई को तो बस मजा आ रहा है, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने रब का जितना शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कम है। वो आपको मैंने इंशाल्लाह वाली बात बताई थी कि भाई बंदा सिर्फ एक दिल में एक दफा सच्ची नीयत से इंशाल्लाह बोले तो भाई सब चीजें मुमकिन हो जाती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इतने सालों से जिस चीज का मैंने ख्वाब देखा था अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मैंने एक्सपीरियंस कर लिया। तो जितना रब का शुक्र अदा करूं कम है, और सेकंड उस SNU क्लिनिक का बहुत, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो भाई खर्चा बहुत कम है, बहुत ज्यादा डिस्काउंट देते हैं, अगर आपको भी ये करवानी हुई तो आप भाई से रब्ता करना, आपका भाई आपको डिस्काउंट ले लेके दे देगा, इतने आपके भाई की चलती है कोरिया में। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो भाई मैं इस क्लिनिक को 11 out of 10 पॉइंट्स दूंगा, क्योंकि भाई पूरा स्टाफ इतना कमाल का था कि मैं आपको क्या बताऊं, इतना कोऑपरेटिव था, मुझे एक मिनट भी ये फील नहीं होने दिया उन्होंने कि आज मेरी सर्जरी है, आज मैं आंखों की सर्जरी है या कोई चीज ऊपर या नीचे जा सकती है, इतने मेरे टेस्ट लिए और इतना कोऑपरेट किया उन्होंने। और बेस्ट पार्ट तो ये था कि यार इंग्लिश ट्रांसलेटर उन्होंने मुझे साथ दी हुई थी, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और अगर आपने भी कभी आई सर्जरी करवानी हो तो कोरिया बेस्ट ऑप्शन है आई सर्जरी करवाने का, और अगर कोरिया में करवाने आओ तो SNU बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये नोबेल प्राइज होल्डर है, सेकेंड इनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, थर्ड इनके डॉक्टर नंबर 1 है कोरिया में। तो भाई आंखें ऐसी चीजें जिन पे आप कोई भी रिस्क नहीं ले सकते, मैं आपको भी यही कहूंगा कि कोई भी रिस्क ना लें। और मजे की आपको बात बताऊं कि बजाय कनाडा अमेरिका या फिर किसी और इंग्लिश मुल्क से करवाने के आप साउथ कोरिया आ जाओ, घूम भी लो और यहाँ से आई ट्रीटमेंट भी करवा लो, क्योंकि यहाँ पे उन कंट्रीज के निस्बत 1/3 सस्ता है भाई, 1/3, ठीक है। अगर वहां पे आपका 100 रुपये में होता है तो यहाँ पे 30 रुपये में हो जाएगा, इतना फर्क है। अपनी तरफ से नहीं छोड़ा, मैंने खुद सारी रिसर्च की है भाई, वहां पे कितने की होती है, यहाँ पे कितने की होती है, बेस्ट कौन सी है, इनके पास सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, बेस्ट डॉक्टर्स हैं, और एक ही दिन में आपकी आंखें ठीक करके दे देते हैं। तो भाई ये थी आज की बात, उम्मीद है आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया तो आपके भाई की सिर्फ एक रिक्वेस्ट है आपसे कि इस व्लॉग को शेयर कर दें जितना हो सके। तो ये थी आज की बात, मिलते हैं द नेक्स्ट व्लॉग, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।